हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बात किया था और उनसे कौन कौन से एंगल, कौन कौन सा पेयर बनता है, इन सब के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस। अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है उसमें कौन कौन सा एंगल बनता है, उन एंगल्स का सम क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए कोई भी दो लाइन पहले पैरेलल ड्रॉ करते हैं। इस तरफ ये लाइन एल वन है और ये लाइन क्या है L2। ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं L1 पैरेलल L2। ये साइन जो होता है, ये साइन, इसको पैरेलल का साइन बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, P क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है, एंगल वन है, ये एंगल टू है, ये एंगल थ्री है, ये एंगल फोर है, फाइव, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये एंगल सेवन है और ये एट है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो कौन कौन से एंगल बनेंगे और इन सब के एंगल्स की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या है, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो जो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर सेम साइडेड, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगा, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। आप लोग देखिए कौन कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है और कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो वन और फाइव क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एक मैंने प्रीवियस क्लास में बात किया था, एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है। वन एंड फाइव क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, एक तो ये हो गया। सेकेंड, फोर और एट भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, तो एंगल फोर क्या हो जाएगा, एंगल एट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे साइड के बारे में बात करते हैं, एंगल टू और एंगल सिक्स, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। यहाँ पे एंगल थ्री क्या है, इंटीरियर है, और एंगल सिक्स सेवन क्या है, एक्सटीरियर। ये फोर पेयर हैं कॉरेस्पॉन्डिंग के और ये चारों पेयर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है और उनके बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया गया है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस में वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। इफ टू पैरेलल लाइंस, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या है, ये लाइन जो कट कर रही है दोनों को एक एक पॉइंट पे, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है पैरेलल लाइन के केस में और अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होता है, यह भी इक्वल होता है। तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा है, मैंने बताया था जो जेड का फिगर बना है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम लोग यहां पे पहले बात करेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कौन कौन सा अल्टरनेटिंग के लिए इंटीरियर एंगल, एक एंगल फोर और एक एंगल सिक्स, जो ऐसे फिगर बना है। ये दोनों एंगल क्या है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला पेयर कौन सा, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स के पेयर है, ठीक है। और सेकंड क्या है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव, ठीक है। ये था इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर एंगल, सेम साइडेड इंटीरियर एंगल के बारे में। थर्ड क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर
कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal are supplementary. अब आप लोग supplementary भूल गए होंगे, अगर आप लोगों ने revise किया होगा तो supplementary के बारे में आप लोगों को पता होगा. supplementary होता है जिन दो angles का सम क्या हो 180 degree हो उसी को हम लोग बोलते हैं supplementary. complementary क्या होता है जिन दो angles का सम क्या हो 90 degree हो. तो कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट की जा रही हैं, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम, एक ही साइड इस तरफ की हम लोग बात करते हैं एंगल 4 एंगल 5 ये दोनों इंटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा सप्लीमेंट्री, मतलब क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल हो. तो पहला कौन सा इंटीरियर एंगल है सेम साइडेड, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम क्या होगा ऑलवेज 180 डिग्री, और एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. ठीक है, ये था सेम साइडेड इंटीरियर एंगल्स के बारे में. अब हम लोग इसके फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. ये मेन तीन प्रॉपर्टी थी और आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि ये एंगल 1 एंगल 3 क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 2 एंगल 4 क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये सब तो आपको पता ही है. एंगल 5 एंगल 7 ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा वर्टिकली अपोजिट, एंगल 6 एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट. लीनियर पेयर मैंने आप लोगों को बताया, एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या है एक ही लाइन पे बन रहा है तो 180, एंगल 1 और एंगल 2 का भी सम एक ही लाइन पे बन रहा है तो 180, एंगल 1 और एंगल 4 इनका भी सम 180 डिग्री, जो एक ही लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर के थ्रू क्या हो जाएगा उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. चलिए अब इन सब पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इजी क्वेश्चंस को करेंगे फिर उसके बाद थोड़ा लेवल को आगे बढ़ाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ एग्जांपल नंबर 1, जैसे ये लाइन एक एल है और ये लाइन एक एम है. ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम ये दिया गया और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की गई है जो क्या है पी. ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है और ये एक्स, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये एक्स दिया गया, मैंने आप लोग को बताया अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा. एक आप लोगों ने पढ़ा था अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट जो जेड का फिगर बने, ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा. अब बताइए यहाँ पे इंटीरियर बन रहा है ऐसे, ये जेड की फिगर ऐसे बन रही है, ये बन रहा है ना जेड का फिगर, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा. क्या हो जाएगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेलल लाइंस कंडीशन, अगर पैरेलल लाइन दी हुई है तब, नहीं तो ये इक्वल नहीं है. तो ये एक्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये लाइन एल वन है और ये लाइन क्या है एल टू, और दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि क्या है पी, क्या है एल वन पैरेलल एल टू है. ठीक है, पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, पी इज ए ट्रांस, ये एग्जाम्पल नंबर 2, पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, पी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल कितना दिया हुआ है 55 डिग्री और आपसे एंगल वाई पूछ रहा है, एंगल वाई पूछ रहा है, एंगल ये दोनों इंटीरियर एंगल है, एंगल वाई भी इंटीरियर है और एंगल 55. आप लोग देखिए ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन एल वन एल टू पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल मैंने बताया था इंटीरियर एंगल के थ्रू ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. कैसे, आप लोग देखिए यहाँ पे जेड का फिगर बन रहा है, ये फिगर बन गया, ये क्या है जेड का फिगर बन गया आप लोगों को दिख रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री. क्यों हो जाएगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल। मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बस आप लोग घर पे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी दो लाइन, ये L1 है और ये क्या है L2 है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल, और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन क्या है P है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है P है। ये एंगल Z है और ये एंगल 60 डिग्री दिया गया, आपसे Z की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये दोनों एंगल एक ही साइड में है और ये दोनों ना L1 पैरेलल क्या है L2 के, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी हैं और ये 60 डिग्री है और आपसे Z की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने बताया था, अभी आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इन दोनों एंगल का सम सेम साइड में है, सेम साइडेड इंटीरियर एंगल है, ये दोनों सेम साइड में एक ही तरफ है, और इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो z प्लस 160 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है ना, z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे सेम साइडेड इंटीरियर एंगल, यहां आप लोग लिख दीजिएगा सेम साइडेड इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम क्या होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जब 60 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 120 डिग्री, ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री, ठीक है, निकल के आ गई z की वैल्यू। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, सेम साइडेड इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लाइन L1 है, ये लाइन क्या है L2 है, और L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है P, P क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये 120 डिग्री दिया गया है और आपसे X पूछ रहा है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है और दोनों एक ही तरफ है। मैंने बताया था अगर एक ही तरफ का एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल हो और एक इंटीरियर एंगल हो और दोनों आपस में लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती हुई जा रही हो, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक तरफ का और उसी तरफ का इंटीरियर एंगल, दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसे हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कंडीशन, ठीक है, ये पैरेलल का साइन है आप लोगों के बुक में दिया भी हुआ है, ठीक है, ये पैरेलल का साइन, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये पी है लाइन और ये लाइन क्या है Q है, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन क्या है L है और ये लाइन क्या है M है, ठीक है, इसमें क्या कौन सी कंडीशन है, P Q के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, L M के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन आपस में दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, L एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक M ट्रांसवर्सल लाइन है, चाहे P को ट्रांसवर्सल मान लीजिए चाहे Q को, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये ए दिया गया है और ये बी दिया गया है, ये सी दिया गया है और ये क्या दिया गया है डी, ठीक है, हमें एक एंगल दिया गया है और बाकी सारे एंगल हमें क्या करने हैं निकालने हैं। चलिए बहुत ईजी है, ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो और ये सेम साइडेड है, तो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, सॉरी ए इज इक्वल टू नहीं, इन दोनों एंगल का सम सेम साइडेड इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है सेम साइडेड इंटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा सेम साइडेड इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो
ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। ये जब 120 डिग्री हो गया, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ये अब हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। क्यू क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक्सटीरियर हो गया और ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल सी, ठीक है। ये एक्सटीरियर हो गया और ये इंटीरियर, अगर हम लोग ये एंगल निकालें तो कॉरस्पॉन्डिंग के थ्रू ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं अपनी तरफ से, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग के थ्रू ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये अगर 120 डिग्री हो गया, अगर ये 120 डिग्री हो गया तो ये एक्स प्लस बी क्या है लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 120। तो 120 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, बी क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। बी क्या हो गया 60 डिग्री, अगर ये बी 60 डिग्री हो गया तो सी भी 60 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये 60 ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा, क्यों एक्स इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, सी की और डी की, और हमने अपनी तरफ से एक्स, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई ये 120 डिग्री है, बी की वैल्यू क्या निकल के आई 60 डिग्री, सी की वैल्यू क्या निकल के आई 60 डिग्री, एंड डी की वैल्यू क्या निकल के आई 120। ये चारों वैल्यू आपकी निकल के आ गई, ठीक है। ये था क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा इसे एक बार देखने के बाद, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।